सो हे गाइस, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपके किसी भी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आया है तो दोस्तों आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके चैनल पर किसी भी वीडियो पर किसी भी प्रकार का कॉपीराइट क्लेम आया है और आप उसको हटाना चाहते हैं, आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये सिर्फ 5 मिनट में आप अपने वीडियो के कॉपीराइट क्लेम को रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ और स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूं, जिससे कि दोस्तों आप भी अपने वीडियो का कॉपीराइट क्लेम को हटा सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे आप अपने वीडियो के कॉपीराइट क्लेम को रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों मैंने अपने चैनल को क्रोम ब्राउजर में डेस्कटॉप साइट पर ओपन कर लिया है। दोस्तों आप भी कुछ इस प्रकार से ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपने वीडियो वाले सेक्शन में आ जाइएगा। तो दोस्तों उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों फिल्टर का, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ फिल्टर का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। सिंपली दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ से एक पॉपअप ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों इस पॉपअप में लिखा हुआ है सेकेंड नंबर पे कॉपीराइट क्लेम, तो दोस्तों सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों कॉपीराइट क्लेम वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके जितने भी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ रहेगा वो सभी वीडियो यहाँ शो करने लगेंगे। तो दोस्तों आपको जिस भी वीडियो का कॉपीराइट क्लेम हटाना यानी रिमूव करना है, दोस्तों उस वीडियो के सामने कॉपीराइट क्लेम लिखा हुआ रहेगा, सिंपली दोस्तों अब उस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ से आपको एक ऑप्शन आ जाएगा सी डिटेल्स का, तो दोस्तों सी डिटेल्स वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप अपने वीडियो का कॉपीराइट जो क्लेम है उसको रिमूव कर सकते हो। दोस्तों कैसे, दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो आपके वीडियो पर जितने दूर में, मतलब जितने समय के लिए आप सॉन्ग यूज किए वो समय आपको दिखा देगा। जैसे दोस्तों इसमें 3 सेकेंड से लेकर 2 मिनट 59 सेकेंड तक इस वीडियो में सॉन्ग यूज किया गया है, तो वो यहाँ ड्यूरेशन दिखा रहा है कि इतने दूर में आपका सॉन्ग यूज गया। तो दोस्तों अब आप इसको क्या कर सकते हैं, 3 तरीके से आप अपने कॉपीराइट क्लेम को रिमूव कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां आपको सिंपली सेलेक्ट एक्शन वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो 3 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों यहाँ से आप अपने अपने सॉन्ग को ट्रिम कर सकते हो, यानी दोस्तों आप अपने सॉन्ग को वहाँ से हटा सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपने सॉन्ग को चेंज कर सकते हो, रिप्लेस सॉन्ग, यानी आप अपने सॉन्ग को चेंज कर सकते हो या फिर दोस्तों आप अपने सॉन्ग को म्यूट कर सकते हो। तो दोस्तों आपको जो भी ऑप्शन अच्छा लगे उसको आप चूज कर सकते हो, लेकिन दोस्तों मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपने सॉन्ग को चेंज कर दो। जैसे दोस्तों यहाँ से मैं रिप्लेस सॉन्ग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, तो दोस्तों यहाँ से मैं रिप्लेस सॉन्ग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही दोस्तों मैं रिप्लेस सॉन्ग वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो दोस्तों उसके बाद यहाँ से कुछ इस तरह का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो, उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो दोस्तों उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको यूट्यूब का लाइब्रेरी ऑन हो गया। तो दोस्तों यहां से यूट्यूब का लाइब्रेरी और मतलब ओपन हो गया। तो दोस्तों यहां से यूट्यूब लाइब्रेरी में से आप कोई भी सॉन्ग यूज करोगे तो दोस्तों अब आपको कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तो दोस्तों रिप्लेस यानी चेंज करने के लिए यहां से कोई भी सॉन्ग को आपको ले लेना है। तो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ सेकेंड वाले ऑप्शन को मैं चूज कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हो मैं सेकेंड वाले ऑप्शन पर ऐड कर देता हूँ। जैसे ही दोस्तों मैं ऐड करूँगा तो यहाँ से अब आपको एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से सेव करने का। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो ये पूरे वीडियो पर ये सॉन्ग मतलब लग चुका है, यहाँ से अप्लाई हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से सिंपली आपको इस सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ आपको एक ऑप्शन आ रहा है रेडी टू रिप्लेस सॉन्ग, यानी आप अपने सॉन्ग को चेंज करने के लिए रेडी है। तो दोस्तों यहाँ सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगा। तो दोस्तों यहां से देख सकते हो यहां से ये सेव होना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों यहां से ये सेव हो चुका है, अब आपको दोस्तों क्या करना है, दोस्तों यहां से आप देख सकते हो यहां से ये एक्शन वाला ऑप्शन अभी हट जाएगा और दोस्तों ये प्रोग्रेस में चला गया। दोस्तों यहां से देख सकते हो दोस्तों ये हट चुका है और दोस्तों इन प्रोग्रेस ये वीडियो बता रहा है, यानी अभी यूट्यूब इसको फिर से चेक करेगा, उसके बाद दोस्तों इस पे का कॉपीराइट क्लेम हटा देगा। तो दोस्तों ये 1 से 2 घंटे में भी हो जाता है या फिर 24 घंटे कभी कभी लग जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, इतना आपको काम कर देना है।
उसके बाद दोस्तों इस पे का जो कॉपीराइट क्लेम है वो रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ चेकिंग दिख रहा है दोस्तों, यहाँ प्रोसेसिंग दिख रहा है और दोस्तों यहाँ चेकिंग फॉर वन लिख रहा है। तो दोस्तों ये चेकिंग होगा और उसके बाद दोस्तों कुछ देर के बाद इस पे का जो कॉपीराइट क्लेम है वो हट जाएगा।